हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था अलजेब्रिक ट्विंस के बारे में। इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस जो है इंटीग्रेशन रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन रूट अंडर कॉटेक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन डिवाइड बाई साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x डी एक्स। इन सब को हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस के कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान दे, इंटीग्रेशन रूट अंडर टेन एक्स और इंटीग्रेशन रूट अंडर कॉट एक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाई साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाई साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6, ये चारों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस कहलाता है। रीजन ये है क्योंकि इन चारों का जो प्रोसेस होगा, जो स्टेप होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा, केवल फर्क प्लस और माइनस का होगा। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, इसमें ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए। याद रखे, इन दोनों से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसको अच्छे से करके जाए। रूट अंडर टेन एक्स और रूट अंडर कॉट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए, इसको अच्छे से करके जाएंगे सभी लोग। अब हम इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे, हम रूट अंडर टेन एक्स को पहले डिस्कस करते हैं। ध्यान दे, मेरे पास है प्रॉब्लम रूट अंडर टेन एक्स। तो रूट अंडर टेन एक्स डीएक्स, हम यहां पे क्या करते हैं, टेन एक्स को टी स्क्वायर माने, टेन एक्स को क्या मान देते हैं, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माने सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का, आप सभी लोगों को पता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, sec स्क्वायर x dx, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। तो यहां से मेरे पास dx क्या बनेगा, 2t dt डिवाइड बाय sec स्क्वायर x बना। हम चाहे तो इस sec में tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 2t dt sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। tan x आपका t स्क्वायर के बराबर है, tan x आपका t स्क्वायर के बराबर है, तो tan स्क्वायर x आपका क्या बनेगा, tan स्क्वायर x 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस t का पावर 4 बनेगा। ध्यान दें, यहां पे tan x t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x चाहिए, तो tan x के यहां पे t स्क्वायर रखे तो t का पावर 4 बना। तो मेरे पास जो dx है, वो किसके बराबर बन गया, 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी का पावर 4। मेरे पास जो dx है वो किसके बराबर बना, 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी का पावर 4। हम सबको इसमें रखते हैं, तो अगर हम सबको इसमें रखे तो गौर करें मेरे पास क्या बनेगा, tan x, tan x क्या है, टी स्क्वायर, तो ये रूट अंडर टी स्क्वायर बना। dx, dx तुम्हारा क्या है, मतलब dx आपका क्या है, 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी का पावर 4, तो ये 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस t का पावर 4। देखें यहां पे रूट अंडर t स्क्वायर है, रूट अंडर t स्क्वायर क्या बनेगा, t, तो ये क्या बनेगा, 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t का पावर 4 dt। अब आप खुद देखिए, ये इस टाइप का प्रॉब्लम आप अलजेब्रिक ट्विंस में बना चुके हैं। अलजेब्रिक ट्विंस में आपको किस टाइप का प्रॉब्लम मिला था, याद होगा आपको ये प्रॉब्लम मिला था, 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x का पावर 4 dx का प्रॉब्लम। तो यहां पे क्या किए थे, हम क्या बताए थे कि ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 के टर्म्स में होना चाहिए, यहां पे 2x स्क्वायर है, यहां पे क्या 2t स्क्वायर, तो इस 2t स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2t स्क्वायर को यहां से लिखते हैं, या फिर 2t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपका क्या बनेगा, 1 प्लस t का पावर 4 dt, फिर इसको हम अलग अलग करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस टी का पावर 4 डीटी और इधर डीटी। अब हम ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे,
तो अगर हम ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा, आपके पास 1 बनेगा, इधर आपके पास क्या बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई यहां पे 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बना। फिर यहां पे प्लस, तो प्लस दिए। अब हम ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहां पे भी ये भी सेम है, तो ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ये आपका क्या बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब जो प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस पे बढ़ना है। यहां पे आप खुद देखें, प्लस है तो नीचे किस में लाना पड़ेगा माइनस में, यहां पे माइनस है तो नीचे किस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा प्लस में। हम लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं, इसको जाके देखें, हम पूरा प्रोसेस बताए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। अब यहां पे गौर कीजिए, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिखे तो t स्क्वायर ब्रेक करने पे क्या मिलेगा t स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई टी इस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां पे माइनस 2 मिल रहा है एक्स्ट्रा, माइनस 2 नहीं चाहिए तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा प्लस 2। फिर dt, इधर आपके पास 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है, यहां पे क्या बनेगा माइनस है तो नीचे प्लस, तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिखे। यहां पे अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो t स्क्वायर मिलेगा, t स्क्वायर है 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, तो प्लस 2 प्लस 2 अगर मिल रहा तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पे माइनस 2, तो यहां पे माइनस 2 लिखे। अब यहां पे गौर करें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है और इधर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इस जगह पे t माइनस 1 बाई टी को हम u मानते हैं फर्स्ट वाले के लिए, और इधर t प्लस 1 बाई टी को हम v मानते हैं। तो t माइनस 1 बाई टी को हम u माने और दूसरे के लिए t प्लस 1 बाई टी को हम v मानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, मेरे पास क्या आ जाएगा du। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, मेरे पास क्या आ जाएगा dv। तो यहां पे गौर करें, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt आपका क्या बनेगा du बन जाएगा, तो ये du बना होल डिवाइड बाई ये आपका क्या बनेगा यू स्क्वायर, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt है, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt के यहां पे क्या रखेंगे dv, यहां पे t प्लस 1 बाई टी को हम v, v का स्क्वायर माइनस ये देखिए रूट 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये भी सम स्पेशल इंटीग्रेशन में है, ये भी सम स्पेशल इंटीग्रेशन में, तो अब हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो यहां पे a का काम कौन कर रहा है रूट 2, तो ये 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है u, तो u बाई रूट 2 हुआ। फिर प्लस इधर ये dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के फॉर्म में है, यहां पे 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाई 2 a log x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a, तो 1 बाई 2 a, तो 1 बाई 2 रूट 2 1 बाई 2 रूट 2 log mod v माइनस रूट 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा v प्लस रूट 2 का मॉड प्लस c। अब सिंपल u, u किसको माने थे t माइनस 1 बाई टी को, और v किसको माने t प्लस 1 बाई 2 को, पुट कर देंगे तो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स u के जगह पे x सॉरी t माइनस 1 बाई टी, तो ये t माइनस 1 बाई टी डिवाइड बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 ये log v, v किसको माने t प्लस 1 बाई टी, तो t प्लस 1 बाई टी माइनस रूट 2 इधर t प्लस 1 बाई टी प्लस रूट 2 प्लस c। अब लास्ट में हम t के यहां पे क्या रखेंगे रूट tan x, तो जहां जहां t नजर आ रहा है उसके यहां पे रूट tan x रखे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था रूट अंडर tan x का, इसका हम पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किए हैं लास्ट वीडियो में, अगर आप वो समझ गए हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे पास रूट अंडर कॉटेक्स है, जरा ध्यान दे रूट अंडर कॉटेक्स, तो रूट अंडर कॉटेक्स को भी इसी तरीके से बढ़ेंगे और ये आप खुद बनाएंगे, हम बस सही जगह इसको पहुंचा देते हैं। कॉटेक्स है, कॉटेक्स को हम यहां पे टी स्क्वायर माने, सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी स्क्वायर का आपका क्या होता है टू टी डी टी। तो मेरे पास जो डी एक्स है वो क्या बनेगा टू टी डी टी डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। अब कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं तो ये टू टी माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी टी कॉट एक्स टी स्क्वायर के बराबर है तो ये माइनस टू टी वन प्लस टी का पावर फोर डी टी बना। तो ये किसके बराबर आया डी एक्स, डी एक्स आपका क्या है माइनस टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर डी टी। अब यहां पे पुट करते हैं कॉट एक्स के जगह पे टी स्क्वायर, तो कॉट एक्स के जगह पे हम टी स्क्वायर रखें तो रूट अंडर टी स्क्वायर आया। डीएक्स, डीएक्स आपका क्या माइनस टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर, तो माइनस टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर डी टी। यहां पे देखिए टी स्क्वायर टी बनेगा तो ये माइनस टाइम्स टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर डी टी आ गया। अब आप खुद देखिए ये प्रॉब्लम आपका प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा बन गया कि नहीं। यहां पे माइनस है, फर्क बस इतना है कि यहां माइनस है वहां पे माइनस नहीं था, वहां पे भी सेम था टू टी स्क्वायर होगा, यहां पे देखिए टी यहां पे टी, वहां पे भी था आपके पास क्या टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर और यहां पे भी आपके पास टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी का पावर फोर। आप बना दे और लास्ट में टी की जगह पे क्या रख देंगे रूट अंडर कॉटेक्स। तो ये रूट अंडर टेन एक्स और रूट अंडर कॉटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें, बढ़िया से बनाए, कहीं अगर कंफ्यूजन है तो पूछेंगे। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें मेरे पास है dx डिवाइड बाई साइन x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4, dx डिवाइड बाई साइन x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4। ध्यान दें इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x है, यही आपका प्रॉब्लम। हम यहां पे क्या करेंगे, जब कभी भी नीचे साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 रहे, याद रखें जब कभी भी नीचे साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 के टर्म्स में रहे तो उस प्रॉब्लम को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि ऊपर और नीचे कॉस के पावर 4 से डिवाइड कर दें, बस कॉस के पावर 4 से डिवाइड करें प्रॉब्लम बनेगा। हम कॉस का पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आपके पास 1 बाई कॉस का पावर 4 एक्स डी एक्स, नीचे यहां पे साइन का पावर 4x बाई कॉस का पावर 4x, इधर आपका क्या बन जाएगा 1, फिर नेक्स्ट ये क्या बनेगा सेक का पावर 4x dx बना, ये आपका क्या बनेगा टैन का पावर 4x प्लस 1। अब हम टैन x को t मानते हैं तो टैन x को अगर हम t माने तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बना। यहां पे देखिए सेक का पावर 4 है तो सेक का पावर 4 को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे जो है आपके पास रहने देते हैं पहले टेन का पावर 4x प्लस 1। अब आप देखिए यहां पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी रखेंगे और यहां पे sec स्क्वायर x को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x आपका क्या बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया, ये dt हुआ। नीचे tan के जगह पे t का t रखें, tan x को आप t माने हैं तो t का पावर 4 प्लस 1। अब यहां पे फिर tan के जगह पे t रखेंगे तो ये 1 प्लस t स्क्वायर, नीचे आपके पास t का पावर 4 प्लस 1 dt हो गया। अब आप देखिए ये आपका पुराना फॉर्म में आ गया, ये हम आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। जब कभी भी नीचे साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 के टर्म्स में रहेगा आप ऊपर और नीचे कॉस का पावर 4 से डिवाइड करेंगे जो कि हम यहां पे किए हैं, तो 1 बाई कॉस का पावर 4 एक्स डी एक्स, साइन का पावर 4 एक्स बाई कॉस का पावर 4 और इधर कॉस का पावर 4 बाई कॉस का पावर 4 1 बनेगा। अब हम यहां पर टेन एक्स को टी माने डिफरेंशिएशन किए तो मेरे पास फॉर्म आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी का पावर 4 प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बढ़िया से, याद रखेंगे टी आप किसको माने हैं टेन एक्स को, टी किसको माने हैं टेन एक्स। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी का पावर 4 प्लस 1 डी टी आया, जहां पर टी आपका किसके बराबर है टेन एक्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे, बना बनाया स्टेप है बता चुके हैं, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड तो ये 1 1 बाई टी स्क्वायर, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं।
यहां पे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। फिर हम क्या बताए थे, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे टी माइनस वन बाई टी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। अब गौर करें, ये हम अपने मन से लिखे हैं, था मेरे पास ये, तो ब्रेक अगर करते हैं तो टी स्क्वायर मिला प्लस वन बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू मिलेगा, लेकिन हमको माइनस टू नहीं चाहिए तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस टू। अब हम टी माइनस वन बाई टी को यू माने, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन वन, वन बाई टी का प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये आपका डी यू बना, तो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी डी यू बन जाएगा। टी माइनस वन बाई टी, टी माइनस वन बाई टी आपका यू है, तो ये यू स्क्वायर बना, और टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर। अब आप देखिए ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आ गया, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आपका वन बाई रूट टू टैन इनवर्स यू बाई रूट टू प्लस सी बना। फिर ये आपका वन बाई रूट टू टैन इनवर्स यू, आप किसको माने हैं, टी माइनस वन बाई टी को, तो टी माइनस वन बाई टी रूट टू प्लस सी। फिर ये वन बाई रूट टू टैन इनवर्स टी, टी क्या है आपका, टी टैन एक्स को माने थे याद कीजिए, तो ये टैन एक्स यहाँ पे वन बाई टैन एक्स होगा, वन बाई टैन एक्स आपका क्या बनता है, कॉट एक्स डिवाइड बाई रूट टू प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो ये था आपका मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस पे तीन सवाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करें, लेकिन बोर्ड के लिए रूट अंडर टैन एक्स और रूट अंडर कॉट एक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर अच्छे से करें, कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।